अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हमें दो कलर का फैब्रिक ले लेना है और इसके साथ रेडी करने हैं बटन। किस तरीके से करेंगे, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये बटन ले लिया है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लंबी स्ट्रिप ले लेनी है जिसकी चौड़ाई हो तकरीबन 1 इंच या 1.25 इंच और इसकी लंबाई तकरीबन 8-7 इंच। और इसी तरीके से दूसरे कलर का भी सेम 7-8 इंच की लंबाई की पट्टी ले लेनी है। और अब हमें इसको ऊपर नीचे रखते हुए यहाँ पे सिंपल सिलाई लगानी है इस वाली जगह पे। ये देख सकते हैं सिलाई हमारी लग चुकी है और अब हमें इसे प्रेस कर लेंगे और इसकी सिलाई का जो नीचे वाला पार्ट है इसको खोलते हुए ऊपर आयरन लगाएंगे। इसके बाद हमें इसके दो पीस कर लेने हैं और ये जो कलर का डायरेक्शन है इसको ऑपोजिट कर लेना है दूसरी साइड पे, ये देख सकते हैं इस तरीके के साथ। और अब हमें यहाँ पे भी सिलाई लगानी है, इस तरीके से यहाँ पे मिलाते हुए जोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। बस सिलाई लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रहे कि यहाँ पे ये जो अंदर वाला कॉर्नर है ये अच्छे से एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होना चाहिए और फिर बाद में यहाँ पर लगाएंगे सिलाई। वो हमें कर लेना है यहाँ पे बिल्कुल बराबर और लगा लेनी है यहाँ पे सिलाई। ये देख सकते हैं सिलाई लग चुकी है और अब हम इसको खोल देते हैं और यहाँ पे बिल्कुल हमारे कॉर्नर बराबर हैं और इस सिलाई को भी हम यहाँ पे आयरन लगाएंगे। अच्छे से बैठाते हुए इस्त्री कर लेंगे। तो इसके बैक साइड पे हमें बटन रखना है बिल्कुल सेंटर में। आप देख सकते हैं ये जो सेंटर वाला पॉइंट था इसको बिल्कुल बराबर मिलाते हुए बराबर करेंगे और सुई में धागा डाल लिया है और इसके पीछे वाली साइड पे अच्छे से टांके लगाएंगे। एक दो टांके लगाने के बाद इसके ऊपर धागे को घुमाते हुए और मजबूत कर लेते हैं और दो चार और टांके लगा लेते हैं नीचे वाली साइड पे। तो ये जो ऊपर वाला कपड़ा था एक्स्ट्रा, इसकी कटिंग कर देते हैं। अब हमें और यहाँ पे इस कपड़े को दबाव डालते हुए यहाँ पे और स्टिचेस लगाने हैं अच्छे से, इसके राउंड में जाते हुए अच्छे अच्छे मजबूती के साथ टांके भर लेते हैं। तो ये हमारा रेडी हो चुका है बटन और इसके नीचे टसल्स लगेंगे, उसको भी हम आम जो सिंपल नलकी का धागा जो मशीन में डलता है वही ले लेते हैं दो कलर का। और इसको राउंड करूंगी फिंगर्स के ऊपर और इस तरीके से टसल रेडी करेंगे। इसकी मोटाई को आप चेक कर सकते हैं कितना मोटा हमें चाहिए तकरीबन। चाहे तो मार्केट से भी ये टसल्स परचेज कर सकते हैं या फिर घर से भी थ्रेड के साथ रेडी कर सकते हैं। तो ऊपर वाली ये गिरा लग चुकी है और अब थोड़ा सा नीचे वाली जगह पे हमें डबल और अलहदा से धागा ले लेना है। इसको कर लेते हैं हम डबल। और इस तरीके से यहाँ से थोड़ी सी ऊपर से स्पेस छोड़ते हुए नीचे इसको बाइंड करेंगे, दो तीन राउंड लगाएंगे और फिर अच्छे से गिरा लगा देंगे। इसके सेंटर में कट लगा लेते हैं, थ्रेड टूट चुके हैं और अब ये जो एक्स्ट्रा था इसको भी रिमूव कर दिया। और ये हमारा जो टसल था देख सकते हैं ये रेडी हो चुका है। और इसी तरीके से मैंने दूसरे वाले जो कलर था उसको भी सेम साइज़ का रेडी कर लिया। और अब इसके बैक साइड पे सुई को डालते हुए सेंटर में से निकालेंगे, इसको खोल लेते हैं और दूसरा जो टसल था इसको इसके साथ अटैच करेंगे नीचे की तरफ। एक दो बार अच्छे से मजबूती के साथ टांके भर लेंगे।
तो जो बटन था हमारे पास है उसकी बैक साइड पे इसको अटैच करेंगे। यहाँ पे भी अच्छे से हमने टांके भर लेने हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें। तो ये देख सकते हैं हमारे बटन रेडी हो चुके हैं और इनको आप इस्तेमाल कर सकते हो बच्चों के फ्रॉक के ऊपर या फिर कुर्ता वगैरह के ऊपर किसी भी एंगल से। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक करें। और आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।